नमस्कार, न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि निगम। ग्वालियर में बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। रजिस्टर लेकर बैठी कांग्रेस ने जेएएच परिसर में प्रस्तावित 1000 बिस्तर का अस्पताल बनाने की मांग की। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी सरकार 3 बार भूमि पूजन कर चुकी है, लेकिन फिर भी 1000 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मुख्य गेट पर माधवराज सिंधिया का नाम लिखने की मांग की है। देखिए, हमारे शहर जिला कांग्रेस के सीनियर उपाध्यक्ष सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 2 महीने से एक हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम का मकसद ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने 2006 में 1000 बिस्तर की अस्पताल की शिलान्यास की थी, उसका भूमि पूजन किया था। ये मांग लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से कर रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन आज तक उस अस्पताल की न तो काम प्रारंभ हुआ है, न उसके अलावा कोई जानकारी है। हम शहर की समस्त जनता से उनके ओपिनियन लेके दस्तखत करा के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र ये अस्पताल का कार्य प्रारंभ किया जाए। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ आज के साथ।